हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान के दीपक में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ दिन पहले खीरे की पौधे लगाए थे। ये हमारा खीरे का नया बैच है, जिसमें कि हमने दोस्तों बेड बना के अंदर से ड्रिप लाइन पीवीसी पाइप जो हमारे पुराने पानी का था उसको यूज किया गया है, और साथ ही हमने यहाँ पर मल्चिंग पेपर पॉलीथीन ब्लैक पॉलीथीन बिछाई है दोस्तों, जैसे कि इसके अंदर हीट बनी रहती है और पौधे की पैदावार, फल की पैदावार अच्छी होती है, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, नमी बनी रहती है, पौधा ज़्यादा हवा में सूखता नहीं है, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं और यह खीरे के पौधे की हमारी ग्रोथ है। दोस्तों, इसमें हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, साथ ही हमने इसमें तरबूज के पौधे भी लगाए हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं तरबूज के पौधे। दोस्तों, यहाँ पर कुछ तरबूज के पौधे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये तरबूज का पौधा है। हमने एक एक पौधा छोड़ के यहाँ पे तरबूज का पौधा लगाया है। ये देखिए, ये हमारे तरबूज के पौधे हैं। ये अभी दोस्तों 10 से 15 दिन के पौधे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप खीरे की खेती कर सकते हैं, यहाँ पे मल्चिंग बनाकर। उसके बाद दोस्तों आपको उसके लिए इस तरह से यहाँ पे डंठल लगा के, बैम्बो लगा के पौधे उनको रस्सी में चढ़ाना होगा। उसकी अपडेट वीडियो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अगर आपको खीरे लगाने हैं तो आप इस तरह से लगाइए, ज़मीन से देखिए, बेड की हाइट लगभग 6 इंच से ज़्यादा है, 6 इंच से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि खीरा जब बरसात, ज़्यादा बरसात होती है तो खीरा जो है उसकी बेल जड़ें पानी में, ज़्यादा पानी में सड़ जाती हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पानी भी नहीं होगा और आप इस तरह से बेड बना के लगा सकते हैं। और बेड को दोस्तों इस तरह से हमने इसे तार से इस तरह से कवर किया हुआ है। आप बेड के अंदर देख सकते हैं दोस्तों, बेड किस तरह से बनाया गया है। तो अगर आप इस तरह से खीरे की खेती करेंगे तो आपको 2 गुनी 3 गुनी ज़्यादा पैदावार मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो संबंधी कोई भी सवाल हो तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर करें।